पीथमपुर में गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई और कल्लू और वाहिद के दो मकानों को जमींदोज कर दिया गया। एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल भी लगाया गया। वहीं गुंडे कल्लू के परिजनों ने इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। पीथमपुर के सेक्टर 3 में आज पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई की गई। पीथमपुर के नामचीन गुंडे के दो निजी मकान तोड़े गए। वहीं मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि कल्लू उर्फ वाहिद खान कुख्यात बदमाश है, जिसके 14 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसमें चोरी लूट वसूली तमाम तरह के अपराध अपराधी द्वारा किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कुख्यात को चिन्हित कर उसके ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है और इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अपराधियों बदमाशों और कुख्यात माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं धार SDM सत्यनारायण डर्रो ने बताया कि राज्य सरकार की मुहिम के तहत माफियाओं और बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। कल्लू वाहिद पिता समीर, इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और साथ ही साथ अभी पिछले जुलाई में इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी। क्योंकि राज्य शासन के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत हम इनके ठिकानों पे हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। सर, कल्लू के परिजनों ने अभी आरोप लगाया है कि उसके नाम कल्लू के नाम पे संपत्ति नहीं, बावजूद इस संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें निश्चित रूप से कल्लू का है और साथ ही उसके पिताजी और भाइयों का भी होना बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम कल्लू चूँकि हमारे लक्ष्य टारगेट में हैं, हम उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसमें उनके विरुद्ध हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कल्लू के आज कितने मकान तोड़े? अभी एक मकान तोड़े हैं, सेकंड अभी उसमें कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और आगामी दिनों में हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। लगातार कार्रवाई जारी? बिल्कुल बिल्कुल लगातार कार्रवाई। कल्लू डकैती चोरी लूट करके संपत्ति अर्जित किया है, इसके 14 अपराध थाना तिरला बेटमा पीथमपुर सेक्टर 1 सागौर में पंजीबद्ध है। इसका जिला बदर भी किया गया था और अभी जैसे SDM साहब ने बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक कि गुंडों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, जो उसने संपत्ति अर्जित करके मकान बनाया था उसके दो मकान तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा भी उनको कार्रवाई होगी आज से? और चिन्हित कर रहे हैं और गुंड और माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं। बहुत माफिया पीथमपुर में ऐसे हैं जो कभी पंचर की दुकान बनाते थे और आज जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो गए हैं, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। सर, ये जैसे कि स्क्रैप माफिया भी काफ़ी किसी ज़माने में खेला चलाते थे, आज के समय में उनके भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी, उनकी भी कुंडली खगाली जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.